नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल न्यू गैजेट्स यूज में। और आज हमारे पास अवेलेबल है ओप्पो का लेटेस्ट लॉन्च मॉडल जो कि है ओप्पो का A3s। हम इसकी ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर चुके हैं, आपने अगर नहीं देखी है तो आई बटन पर आपको जो है लिंक मिल जाएगा जिसपे क्लिक करके आप हमारे जो है अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं A3s की कि आपको ये फोन जो है क्यों परचेज नहीं करना चाहिए। ओप्पो ने जो है बड़ी मेहनत से इसको जो है कम प्राइस में एक अच्छा फोन बनाया है जो कि हम बोल सकते हैं कि ओप्पो थोड़ा बहुत सुधर रहा है। 11,000 रुपए में इसका जो डिजाइन है काफी अल्टीमेट डिजाइन है। अगर किसी ने इसका डिजाइन देख लिया तो ऑलमोस्ट उसका 50% फोन ये जो है फाइनल हो जाएगा कि मुझे जो है ये वाला ही फोन लेना है। लेकिन यहां पर जो है बहुत सारे अच्छे स्पेसिफिकेशन होने के बाद में भी जो है कुछ कमियां जो है रह जाती है। कोई भी ब्रांड जो है परफेक्ट फोन नहीं बनाता है। तो करते हैं इस कमियों की बात कि इस फोन में जो है क्या कमियां रह गई है जो कि आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो पहली कमी की बात करते हैं तो वो है इस फोन के साथ में कोई फिंगरप्रिंट सेंसर जो है यूज नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं इसका जो डिजाइन है काफी अच्छा बनाया गया है जो कि बैक और फ्रंट साइड से। फ्रंट में आपको मिलता है नॉच वाला डिस्प्ले जहां पे आपको जो है कोई भी की आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा। एंड यहां पर जो है बैक का डिजाइन जो है काफी अच्छा बनाया गया है लेकिन यहां पर आपको जो है फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप 11,000-13,000 रुपए खर्च करते हैं और सबसे मेन सिक्योरिटी होती है फिंगरप्रिंट सेंसर, अगर आपको वो फोन में नहीं मिले तो कैसा फील होगा। लेकिन यहां पर ओप्पो का सब ब्रांड था जिसमें रियलमी, वहां पर आपको जो है फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिल रहा था। उसका भी डिजाइन जो है काफी अच्छा बनाया गया था इसी फोन की तरह। यहां पर हम बात करते हैं इंडियंस के लिए फिंगरप्रिंट जो सेंसर जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। सभी लोग फिंगरप्रिंट यूज करते हैं, कंपैरिजन फेस लॉक के सब लोग यहां पर जो है फिंगरप्रिंट ज्यादा यूज करते हैं। तो यहां पर जो है पहली कमी यह है कि फिंगरप्रिंट सेंसर आपको जो है इस फोन के साथ में जो है देखने को नहीं मिलेगा। सेकेंड हम बात करते हैं यहां पर ये फोन जो है काफी अच्छा है। यहां पर डिस्प्ले जो है काफी साइज आपको अच्छा देखने को मिल जाता है जो कि है 6.2 इंच का डिस्प्ले जहां पर आपको रेजोल्यूशन मिलता है जो कि है HD+। पिक्सल यूज किए गए हैं 720x1520। इतना बड़ा डिस्प्ले साइज है जो कि है 6.2 इंच। यहां पर जो है एक अच्छे बात है, यहां पर हमें जो है डिस्प्ले का अच्छा मिल रहा है लेकिन डिस्प्ले रेजोल्यूशन जो कि है वो है HD+, जिससे कि डिस्प्ले रेजोल्यूशन जो है 720x1520, जिससे कि PPI जो है हमें जो है मिलती है सिर्फ 271। अगर आप कोई गेम कोई वीडियो प्ले करते हैं कुछ फोटोज देखते हैं तो वहां पर जो है आपका PPI जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपको PPI सिर्फ आपको मिलता है यहां पर 271 PPI जो कि आपके फोन में रखी हुई इमेजेस वीडियोस को जो है पिक्सलेट कर सकता है। तो ये जो है आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है एवरेज देखने को मिलेगा इस फोन की PPI के साथ में। इसके अलावा कमियों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है दो वेरिएंट लॉन्च किए हैं ओप्पो ने जो कि है A3s के अंदर जो कि हमारे पास अवेलेबल था जो कि है 2GB की हमने अनबॉक्सिंग की थी। 2GB 16GB आपको मिलता है 10,990 रुपए मतलब 11,000 रुपए की प्राइस में। और आपको मिलेगा जो कि है 3GB 32GB जो कि आएगा 13,000 रुपए की प्राइस में। आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं, आपको जो है 11,000 और 13,000 रुपए मतलब 2,000 रुपए का डिफरेंस मिलता है जहां पर वेरियंट आएगा 2 की जगह 3 हो जाएगा, 16 की जगह 32 हो जाएगा। लेकिन क्या आप बताना कि 11,000 रुपए में 2GB RAM जस्टिफाई करता है या फिर जो है नहीं करता है। आज का जमाना ऐसा है, 2018 चल रहा है, MI का जमाना है, नंबर वन ब्रांड जो है MI बन चुका है। 11,000 रुपए की प्राइस में जो है हम 2GB 16GB वाला फोन जो है क्यों परचेस करेंगे। तो यहां पर जो है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बात है। यहां पर 2GB और 16GB वाले के लिए 3GB 32GB का अगर प्राइस 13,000 रुपए की जगह अगर 12,000 या 11,500 रुपए तक होता तो हम उसको जो है एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ वो जस्टिफाइड है प्राइस। लेकिन 13,000 रुपए थोड़ी सी ज्यादा है प्राइस 3GB के लिए और यहां पर जो है 11,000 रुपए प्राइस 2GB RAM के लिए थोड़ी सी ज्यादा है। यहां पर अप्रोक्स प्राइस होनी चाहिए थी 2GB की तो 9,000 रुपए होता तो काफी अच्छा ये फोन जो है हमारे लिए रह सकता था। इसके अलावा बात करते हैं यहां पर परफॉर्मेंस, तो यहां पर बैटरी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी आपको जो है देखने को मिल जाएगी जो कि है 4230mAh की बैटरी। लेकिन 4230mAh को बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको एडेप्टर मिलता है जो कि है 5V और 1.0A का जो कि आपकी इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। अगर आपका फोन 0% है और अगर आप चाहते हैं 100% चार्ज करना तो आपके ये फोन जो है ऑलमोस्ट 3 घंटे से ज्यादा आपको जो है फोन ले लेगा चार्ज करने के लिए। यहां पर जो है एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट बोल सकते हैं, बैटरी अच्छी दे दी यहां पर ओपन है जो कि है 6.2 इंच के डिस्प्ले के साथ में आपको 4230mAh की बैटरी जो है देखने को मिल जाती है। बहुत अच्छी बात है
लेकिन एटलीस्ट चार्जर यहाँ पे हमें जो है थोड़ा सा फास्ट मिल जाता तो एक अच्छी बात हमारे लिए और हो जाती, क्योंकि हमारा फोन जो है 3 घंटे फोन से दूर रहना, ऑलमोस्ट 3 घंटे से ज्यादा हमारे फोन से दूर रहना तो थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है। एंड सबसे लास्ट कमी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी, ये फोन जो है इसका डिजाइन जो है काफी अच्छा आपको जो है देखने को मिल जाता है, जो कि है 6.2 इंच के साथ में आपको जो है ग्लॉसी फिनिशिंग आपको मिलता है। बैक साइड में डिजाइन काफी अल्टीमेटिव, फ्रंट आपको नॉर्थ साइड मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है इसका यूज किया गया है यहाँ पर प्लास्टिक बॉडी। आप देख सकते हैं इसका जो साइड फ्रेम यूज किया गया है वो है प्लास्टिक बॉडी के साथ में। तो यहाँ पर एटलीस्ट हम 11,000 रुपये या 13,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो क्या हमें मेटल बॉडी मिल जाता तो कैसा रहता हमारे लिए। तो यहाँ पर जो है बिल्ड क्वालिटी, यहाँ पर ग्लोसी डिजाइन काफी अच्छा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर जो है अच्छी यूज नहीं की गई है, मतलब यूज किया गया है प्लास्टिक बॉडी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है ये कमियां देखने को मिल जाती है। तो अगर आप इन कमियों से सेटिस्फाइड हैं, आपको ये कमियां नहीं लगती है, तो ये फोन जो है आप परचेज कर सकते हो, ये जो है आपके लिए फिर बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो ये था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव साथ में, और कमेंट कीजिएगा आप क्या क्या मानना है ओप्पो के A3S के बारे में, क्या ये कमियां सच में है या फिर जो है नहीं है। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है, जल्दी से लाइक भी कर लीजिए, फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि हम वहां पर भी छोटे छोटे अपडेट्स देते रहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी फोन स्क्रीन पर जो है न्यू गैजेट्स का आइकन को मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स जो देखने को मिल जाएंगे। तो इतना ही था आज के वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं अगली वीडियो में।